हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और गाइज, आज के टेक न्यूज स्टार्ट करते हैं रियलमी वॉच 2 प्रो से, जो कि गाइज लमसम लॉन्च होने से पहले स्पेसिफिकेशन प्राइस से भी कुछ लीक हो चुका है। तो बात करें स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, तो स्क्रीन साइज बता दूं आपको, 1.75 इंच का स्क्रीन साइज मिल जाता है और जो 390 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो कि 14 दिन के बैटरी बैकअप को क्लेम कर रहे हैं। लेकिन गाइज, एक्सपेक्टेशन मुझे लगता नहीं है कि 4 से 5 दिन से ज्यादा चल पाएगी, क्योंकि शुरू शुरू में लोग ज्यादा यूज करते हैं। हाँ, एक टाइम आता है कि हाँ, वॉच बस टाइम देखने के लिए, कुछ फंक्शनैलिटी के लिए या कहीं पार्टिकुलर यूज के लिए ही रह जाती है। और बात करें इसमें आपको जो मिल जाता है IP68 वाटर रेजिस्टेंस मिल जाता है, जो कि गाइस अच्छी चीज है। बिना इसके तो पॉसिबल ही नहीं होता कि स्मार्ट वॉच पहन के आप यूज कर पाए। और गाइस कुछ खास अच्छा नहीं है, लुक कहीं ना कहीं एप्पल को टच करता है, लेकिन एप्पल अलग चीज है और रियलमी अलग चीज है। बट जो फीचर्स हैं वो रियलमी के मोबाइल पे बहुत ही अच्छे तरीके से रन करेंगे। तो मैं गाइस पर्सनली सजेस्ट करूंगा, जब आपके पास रियलमी का मोबाइल है तभी आप इसे सजेस्ट करेंगे, हाँ यार रियलमी की स्मार्ट वॉच खरीदनी चाहिए। बट आप फंक्शनैलिटी से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो गाइस आप किसी भी मोबाइल से कनेक्ट करके चला सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट रहेगा। लेकिन बात करें प्राइस सेगमेंट की, तो गाइस जो इसका प्राइस सेगमेंट है लमसम जो हो सकता है वो हो सकता है 8 से 8.5 हजार रुपए तक की। और ये आपको कहाँ मिल जाएगी, तो अमेजोन प्राइम डे जो स्टार्ट होने वाले 23rd से, तो वहीं पे 12:30 बजे ये आपको अमेजोन प्राइम सेल पे देखने के लिए मिल जाएगी। और गाइज बात करें, एक और स्मार्ट टीवी फाइनली एंटर कर चुका है मार्केट में, फ्लिप्स का स्मार्ट टीवी, जो कि गाइज कुछ इमेज लीक हुए हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है प्राइस को या कितने इंच में आएगा, अभी थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। लेकिन गाइज स्मार्ट टीवी मार्केट में थोड़ी बहुत हलचल तो जरूर आएगी, क्योंकि फ्लिप्स जो है छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बहुत ही बड़ी कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक्स में। लेकिन गाइज अब कहीं ना कहीं स्मार्ट टीवी में या मोबाइल फोन पे जाती है तो बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालती है अनदर कंपनी है, क्योंकि कॉम्पिटिटर जितने बढ़ते हैं उस हिसाब से प्राइस भी फ्लेक्सिबल होने लगता है मार्केट में। तो गाइज उम्मीद तो है कि आपको बहुत जल्दी कुछ नया और देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन गाइज जो इंटरफेस की बात करें, जो इमेज लीक हुए वो लमसम MI के टीवी को टच करते हैं। लेकिन गाइज अब तो मार्केट में आने के बाद या फाइनली एक बार रिव्यू के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि किस तरीके की स्पेसिफिकेशन आपको मिलती है फ्लिप्स के स्मार्ट टीवी में, और क्या आपको जो बजट है उसमें फिट बैठती है। क्योंकि गाइज इस टाइम जो मार्केट बजट चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा, आपको 12.5 हजार से लेके 70-80 हजार रुपए तक के स्मार्ट टीवी मार्केट में मिल जाते हैं, बट फ्लिप्स किस प्राइस टैग में लेके आता है तो वो एक इम्पॉर्टेंट थिंग होगी। और गाइस बात करें Y72 5G मोबाइल के बारे में, जो कि 5G को कहीं ना कहीं लो बजट पे लाने के लिए हर कोई कंपनी होड़ पे, जैसे कि ओप्पो अपना खुद रिलीज करने वाला है तो वीवो भी क्यों पीछे रहे। तो फाइनली वीवो ने भी एक अपना हैंडसेट लॉन्च करने की बिल्कुल तैयारी कर ली है। तो इंडिया के प्राइस के हिसाब से बात करें तो 21,990 रुपये का आपको ये पड़ता है, और 8 GB रैम के साथ 128 GB का स्टोरेज मिल जाता है। और गाइस बात करें, आपको जियो का बेनिफिट मिलता है, जियो 5G के साथ बेनिफिट मिलता है। लेकिन जियो 5G कब मार्केट में आएगा तो वो तो अभी कंफर्म नहीं किया है जियो ने। लेकिन गाइस जियो के मतलब जियो के साथ 5G के साथ जो ब्रांडेड विथ आने वाले मार्केट में वो आना शुरू हो गए हैं। तो गाइस आप 5G मॉडल के ऊपर जा रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र जरूर कीजिए, क्योंकि 5G लॉन्च होने के आफ्टर बाद खरीदते हो तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा मार्केट में। इस टाइम तो 5G के नाम पे सभी कुछ 5G चल रहा है, तो अभी थोड़ा सा वेट कीजिए जब 5G फाइनली तौर पे आपको आ जाए, क्योंकि अभी छोटे छोटे इलाकों पे यूज किया जा रहा है या जगहों पे यूज किया जा रहा है, तो फाइनली तब मतलब नेशनल वाइज हो जाए या स्टेट वाइज हो जाए या सिटी वाइज हो जाए, तब उसके बाद खरीदने में ज्यादा फायदा है। मेरी ये पर्सनल राय है, आपको खरीदने का मन है अभी से 5G तो आप जरूर खरीद सकते हैं, और इस प्राइस सेगमेंट में तो थोड़ा सही लगता है देखने के लिए। तो गाइज एक अच्छी न्यूज जो कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर दी है विंडो 365, मतलब आपको मिल जाती है क्लाउड PC, जिसमें आपको कोई भी कंप्यूटर चला रहे हैं, किसी भी स्पेसिफिकेशन चला रहे हैं, डजेंट मैटर। बट आपको किसी भी क्रोम मतलब क्रोम ब्राउजर को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, या इंटरनेट एक्सप्लोरर को, मतलब किसी भी इंटरनेट ब्राउजर को जिसपे आप इंटरनेट एक्सेस कर पाए, जाके windows365.microsoft.com डालना है आपको, और आप एक्सेस कर पाएंगे अपना क्लाउड PC। तो गाइज अभी मतलब यह है कि इसका प्राइस सेगमेंट, और अभी जो रिलीज किया है वो सिर्फ इंटरप्राइजेस यूजर्स के लिए किया है, जो मतलब कंपनियों में काम करते हैं या उन्हें ज्यादा PC की जरूरत होती है, तो एक ही जगह मतलब उन्हें सिर्फ नॉर्मल PC देना है और वो अपने वर्चुअली PC कहीं भी एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस हो तो अब PC कैरी करने की जरूरत नहीं है, या अच्छा हार्डवेयर किसी को प्रोवाइड करवाने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक नॉर्मल PC लेना और वहां पे अपना
सिर्फ गूगल क्रोम डाउनलोड कर लेना और कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करनी, आप इंटरनेट से इजिली एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि गाइस अभी एंटरप्राइजेस के लिए इसलिए दिए क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी बेसिक चीजें अभी फ्री दी जाएंगे। जैसे कि बात करूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें आपको सभी कुछ मिल जाता है, वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट, मतलब यही अभी मेनली यूजेस है। अभी बात करें आगे, एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर पाएंगे। तो अभी गाइस जो मतलब स्टोरेज मिल रहा है वो 12 GB रैम और 256 GB का आपको रोम मिल रही है, मतलब स्टोरेज मिल रहा है। तो अभी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी कम है, लेकिन आने वाले टाइम में ये स्टोरेज कम से कम 2 से 3 या 5 TB तक पहुंचता है। तो आपको एक वर्चुअली अपना कंप्यूटर कहीं कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वर्चुअली कहीं भी चला सकते हैं। तो गाइज बहुत ही अच्छा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सभी के लिए। तो गाइज आप भी ज्वाइन कर सकते हैं इसे। एमएस फिट GTR2 आपको अब देखने के लिए मिल जाते हैं, बट जो गाइज स्पेसिफिकेशन दिया गया है ना घड़ी का, वो सबसे अच्छा मुझे इसलिए लगा कि उसमें LTE की सपोर्ट के साथ दिया गया। मतलब क्या उस वॉच के अंदर सिम कार्ड डल सकता है? तो गाइज अभी कमिंग सून है और जल्दी आने वाला है मार्केट में, ऊपर से वर्ड्स भी आने वाले हैं एमएस फिट के, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा क्रिएटिव सीन क्रिएट कर देंगे ये, कि आप इसमें मतलब एक एक्सटर्नल सिम कार्ड वॉच के अंदर डाल के तब आप रन करते हैं तो आपको मोबाइल कैरी करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस ये कहीं ना कहीं फालतू तो चीजें हो जाती है, कि वॉच के साथ आप मोबाइल का मजा तो जरूर ले सकते हैं, लेकिन गाइस आपको बहुत सारे काम करने होते हैं, व्हाट्सएप यूज करने होते हैं, टाइपिंग आप मोबाइल पे इतनी इजिली नहीं कर पाएंगे मतलब वॉच के ऊपर। तो वो एक अनक्रिएटिव सीन है कि आपको वॉइस देनी है तो आप डायरेक्टली मोबाइल से कनेक्ट कर दें ब्लूटूथ से। एक नॉर्मली सॉफ्टवेयर बढ़ाने की जरूरत है, ना कि एक पूरे सिम ट्रे रखने की जरूरत है स्मार्ट वॉच में। तो गाइज ये कहीं ना कहीं छोटी सी कमियां हैं जो कि टाइम के साथ रिपेयर हो जाएंगी, तो मार्केट में नई सेल होगी तो फिर सिम कार्ड वापस ले लिया जाएगा और नॉर्मल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक एप्स को क्रिएट कर दिया जाएगा कि आप उससे कॉलिंग कंट्रोल कर सकते हैं अपने मोबाइल की। क्योंकि गाइस बहुत सारे मोबाइल ऐसे परमिशन नहीं देते, सैमसंग के हैं वो, एप्पल के हो गए, या आप वॉच खरीद लेते हैं और आपको चाहें कि अपने बॉस से परमिशन लेके अपने मोबाइल को, तब तक गाइस आप अपने सैमसंग मोबाइल को अनलॉक नहीं करते तब तक आप वीडियो कॉल मतलब कोई सी भी वॉइस कॉल भी नहीं कर पाएंगे, उठा जरूर सकते हैं मगर कॉल कर नहीं सकते। तो गाइस इस वजह से ये अपने ऐसे फीचर लेके आते हैं मार्केट में और ये अनफॉलो करके लोग ऐसी छोड़ देते। तो गाइस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होने से अच्छा है कि कंट्रोल में करी जाए चीजें। तो गाइस आज की टेक न्यूज यहीं पर खत्म होती थी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।